देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए आरजे न्यूज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋषभ। राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र छुरिया ब्लॉक के जोब गांव में बाघ नदी वन विभाग द्वारा ग्रामीणों के पानी की समस्या को देखते हुए गाँव में चेक डैम का निर्माण किया गया है। इस चेक डैम में बरसात के दिनों का पानी आगामी समय के लिए भरा रहेगा, जिसे गांव में पशुओं, ग्रामीणों, जंगली जानवरों के लिए पानी की समस्या कम हो जाएगी। वही चेक डैम के निर्माण से भूजल स्तर भी बना रहेगा। राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र छुरिया ब्लॉक के जोब गांव में वन विभाग द्वारा चेक डैम का निर्माण किया गया है। इस चेक डैम के माध्यम से ग्रामीणों को निस्तारी की समस्या से निजात मिलेगी। वन विभाग के द्वारा गांव में 3 डैमों का निर्माण किया गया है, जो जोब गांव से लगे हुए जंगलों से बना है, जहां पर बाघ नदी वन विभाग की टीम द्वारा चेक डैम बनाए गए हैं। इन जगहों में बरसात का पानी रुकेगा और आने वाले समय में ग्रामीणों को निस्तारी के लिए सुविधा मिलेगी। ग्रामीणों के पशु और जंगली जानवरों को भी इस चेक डैम का फायदा मिलेगा। बाघ नदी वन परिक्षेत्र अंतर्गत बनाए गए इस चेक डैम में लंबे समय तक पानी रुका रहेगा। इससे आने वाले गर्मियों में भी लोगों को पानी की सुविधा मिलेगी। कार्य पूर्ण हो चुका है। इसको हम लोग स्टार्ट किए थे मार्च में, मार्च लॉकडाउन से पहले। उसके बाद लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा बंद करना पड़ा, फिर लॉकडाउन के बाद हमने शुरू किए और ये बरसात से पहले हम लोगों ने कार्य पूर्ण कर लिए हैं। और हम स्टार्टिंग में इसमें जो है मजदूर भी इन्वॉल्व है, सारा काम जो है ना वो मेड़ का जो फिनिशिंग का काम होता है, पत्थर पिचिंग होता है, ये सारा काम मजदूरों से करवाए हैं। और काफ़ी गांव वालों को जो रिव्यू है हमने लिए हैं तो काफ़ी अच्छा है, पानी देख के बहुत खुश हैं गाँव वाले। इवन भूजल स्तर भी इससे ना काफ़ी मात्रा में बढ़ेगा। जो में आप देखेंगे वहाँ गर्मियों में नल जो है वो सूख जाता है पानी, तो अब हो सकता है भूजल स्तर में हम भूजल पानी रोक के भूजल स्तर बढ़ाने का पूरा हमारा प्रयास है। ये लागत अगर जो छोटे बांध है वो 6 से 8 लाख के बीच है, 10 से 11 लाख के बीच है और 13 लाख तक, 13-14 लाख के बीच है। कुल हम जो में 3 बने हैं, 3 बांध है। हाँ, हमारे ग्राम के आसपास जो 625 में गए बड़े वाले जो तालाब बने हैं मिट्टी के, वो हमारे गांव के लिए बहुत ही लाभदायक उपयोगी सिद्ध हो थे। क्योंकि हमारे गांव के आसपास में कोई बड़ा तालाब नहीं रिसे और वन विभाग द्वारा जो बनाए गए है वो में हमारे मवेशी के साथ साथ लोगला और हमारे काय के थे जंगली पशु ला भी अच्छे से लाभ मिला थे। गांव वहाँ पर गरीब गाय पर आदमी पर ऐसे है, बाकी आहे के लिए बाहर पानी देना है कि देने के लिए नहीं है। ग्राम जोब में मिट्टी चेक डैम 3 बना हुआ है। गांव में पानी की समस्या था, इसमें वाटर लेवल बहुत कम था। यहां बनने से गांव का वाटर लेवल बढ़ गया है, कुएं का, ट्यूबवेल का, और नहाने धोने के लिए ग्रामीण भी सुविधा हुआ है। वन प्राणी पानी पीने के लिए सुविधा हुआ है, पालतू पशु नहाने धुलाने के लिए सुविधा हुआ है। अब समय समय पर डीजल पंप से मतलब खेत को सिंचाई करने की सुविधा हेतु बनाया गया है।